क्वेश्चन नंबर अलेवन है हमारा, ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनल फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर इज 60 degree फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 meter अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ टावर, द एंगल एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर इज 30 degree, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल। क्वेश्चन में कहा गया है ये एक कैनल है ये सी बी, और इसके एक किनारे पर एक टावर खड़ा हुआ है जो इस किनारे से इसके जो टॉप का एंगल है वो 60 degree बनाता है, और इसी से एक पॉइंट जो है 20 meter डिस्टेंस पर है डी, और इससे जो एंगल है वो 30 degree बनाता है। तो फाइंड करिए हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट क्या है, ए बी की वैल्यू क्या है, और विड्थ ऑफ द कैनल, कैनल की विड्थ क्या है, दोनों आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें देखना है दोनों टावर में, दोनों ही ट्रायंगल में क्या कॉमन है। तो दोनों ट्रायंगल में हमारा ए बी जो है ये हाइट ऑफ टावर जो है ये कॉमन है। सो पहले हम हाइट ऑफ टावर ही फाइंड करेंगे, कैसे देखिए, देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी ट्रायंगल हम हमारा ये हो गया ए बी डी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 30 इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर कितनी है ए बी, हाइट अपॉन बेस, और बेस ऑफ टावर हो जाएगा हमारा डी बी, डी बी जो है वो 20 plus BC है, 20 plus BC। तो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 20 plus BC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, सो ए बी इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 20 plus BC अपॉन √3, और ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगी। अब हम जो है ना, अब हम करेंगे इन इक्वेशन, इन ट्रायंगल ए बी सी, अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल में भी हमें हाइट ही फाइंड करनी है क्योंकि हाइट दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, 10 60 की वैल्यू होती है √3, और ए बी हमारा फाइंड करना है और बी सी भी। तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए बी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा √3 BC। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम करेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 से देखो, इक्वेशन 1 जो है इसमें भी हमारी ए बी की वैल्यू है, और इक्वेशन 2 में भी ए बी की वैल्यू है। जब दोनों को कंपैरिजन करेंगे सो वी कैन राइट √3 BC इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 20 plus BC अपॉन √3, तो मल्टीप्लाई करेंगे √3 के √3 से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 BC इज इक्वल टू 20 plus BC। यहाँ पे BC इधर आकर माइनस हो जाएगा 3 BC, और -BC इज इक्वल टू 20, 3 BC में से BC माइनस करेंगे 2 BC इज इक्वल टू 20, तो BC इज इक्वल टू 20/2 विड्थ ऑफ कैनल जो है वो हमारा 10 meter हो जाएगा। हमें बताना है हाइट ऑफ टावर क्या है, तो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू है हमारा √3 BC, तो हाइट ऑफ टावर हमारा हो जाएगा √3 × 10, सो 10√3 meter, ये हमारा आंसर हो जाएगा।